आप देख रहे हैं TNB। जनवरी 2022 से पीएम मोदी जल्द ही मुंबई से वाटर टैक्सी की सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के दौरान जनवरी के पहले सप्ताह में मुंबई से नवी मुंबई के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन करेंगे। पीएम मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में एक रासायनिक टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे, जो कि अक्टूबर से चालू है, और बंदरगाह पर एक अन्य रासायनिक टर्मिनल के लिए भूमि पूजन समारोह भी करेंगे। मुंबई और नवी मुंबई के बीच आवागमन के समय में कटौती करने वाली वाटर टैक्सी की योजना पहली बार 3 दशक पहले बनाई गई थी। पिछले कुछ वर्षों में केंद्र की अंतर्देशीय जलमार्ग पहल के हिस्से के रूप में इसे गंभीरता से लिया गया था। एक केंद्रीय और 2 राज्य एजेंसियों मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड और सिडको ने परियोजना पर मिलकर काम किया है। वहीं MBPT ने मुंबई में फेरी घाट पर घरेलू क्रूज टर्मिनल का निर्माण किया और सिडको नवी मुंबई में बेलापुर और नेरुल में टर्मिनलों को अंतिम रूप दे रहा है। पानी की टैक्सी यात्रियों को मुंबई और नवी मुंबई के 2 घाटों के बीच ले जाएगी, जिसमें JNPT पर एक स्टॉप शामिल होगा। एक अन्य सेवा मुंबई और रायगढ़ जिले के रेवास के बीच चलेगी, हालांकि किराया दैनिक यात्री के लिए नहीं है। यह सेवा निजी ऑपरेटरों को सौंप दी गई है। किराए की गणना मोटे तौर पर प्रति यात्री 45 रुपए प्रति मिनट के हिसाब से की जाएगी। इन्फिनिटी हार्बर सर्विसेज के LLP के सोहेल कजानी ने कहा कि मुंबई से नवी मुंबई का किराया 1200 रुपए से 1500 रुपए प्रति यात्री होने की उम्मीद है, जबकि JNPT का किराया 750 रुपए होने की संभावना है। कंपनी की योजना साल में 330 दिनों के लिए सुबह 8 बजे से रात्रि के 8 बजे तक काम करने की है। मानसून के दौरान सेवा बंद रहेंगी। वर्तमान में हमारे पास 4 जहाज हैं, जिनमें एक 85 सीटर, एक 40 सीटर, एक 32 सीटर और एक 14 सीटर शामिल है। प्रत्येक 25 समुद्री मील तक की गति से यात्रा कर सकता है। सरकार ने हमें एलिफेंटा के लिए इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, रिवास को डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल, करंजदे धर्मतार डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल से बेलापुर, नेरुल, वाशी और एरोली और DCT से खंडेरी द्वीप और JNPT सहित रूट आवंटित किए हैं। वाशी और एरोली में घाटों का निर्माण होना बाकी है। कजानी ने कहा कि हमारी नावें DCT से नवी मुंबई तक 30 मिनट से भी कम समय लेती है, जबकि टैक्सी से 1 घंटा 15 मिनट से 1 घंटा 45 मिनट तक का समय लगता है। कंप्यूटर के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए कजानी ने कहा कि चर्च गेट, CST, नरीमन पॉइंट, गेटवे ऑफ इंडिया, DCT, डॉकयार्ड, बेलापुर, नेरुल और JNPT जैसे विभिन्न स्थानों पर पुल कैब होंगे। वे शेयर एक कैब के आधार पर प्रति यात्री 20 से 30 रुपए का मामूली किराया वसूलेंगे। टिकट watertaximumbai.com पर ऑनलाइन बुक किए जाने हैं और सीटों को 1 दिन पहले बुक करना होगा। महानगर में पहले गेटवे ऑफ इंडिया को नवी मुंबई और गिरगांव चौपाटी को जुहू से जोड़ने वाली एक हॉवरक्राफ्ट सेवा थी। वेस्ट कोस्ट मरीन के आशीम मोंगिया, जिन्हें सेवा संचालित करने का लाइसेंस भी मिला है, उन्होंने कहा, हमें कान्होजी ओंगरे द्वीप समूह के लिए DCT, रेवास करंजा के लिए DCT और JNPT, नेरुल और बेलापुर के लिए DCT के 3 मार्ग मिले हैं। हमारे पास 3 जहाज हैं, इनमें 12 से 20 लोग सवार हो सकते हैं। मुंबई JNPT के लिए हम प्रति व्यक्ति 800 रुपए चार्ज करेंगे और इसमें DCT से 20 मिनट तक का समय लगेगा, और मुंबई बेलापुर के लिए हम प्रति यात्री 1100 रुपए चार्ज करेंगे और इसमें 35 मिनट लगेंगे। हमने DCT नेरुल मार्ग पर चलने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। यात्रा में 30 मिनट का समय लगेगा और हम प्रति यात्री 1000 रुपए चार्ज करेंगे। MBPT के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एक अन्य ऑपरेटर के पास कटमन रैन है, लेकिन 3 महीने बाद सेवा में शामिल हो जाएगा। और इस तरह जनवरी नए साल यानी कि वर्ष 2022 से मुंबई में वाटर टैक्सी की सर्विस भी शुरू हो जाएगी, जो वहां के लोगों के लिए काफी सुविधाजनक होगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।